Today we are here to present the case law, which name is K. Pillai versus Vishalakshmi. My name is Kushi Tiwari and I am playing the role of Vishalakshmi. My name is Preeti Kumari. I am playing role of K. Pillai, जो कि इसमें एक jewelers का किरदार निभा रहा है. मेरा नाम मुस्कान सिंह है. मैं इस एक्ट में producer का role निभा रही हूँ. Myself Alok Pathak. I am role playing a thief in this round. My name is Dhiraj Mishra. मैं इसमें जज का रोल निभा रहा हूँ. और बताओ बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ. और यहाँ कैसे आ गया? अरे क्या बताऊँ, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है ना, तो मुझे उसके लिए कुछ ज्वेलरी बनवानी थी. तो अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा ज्वेलर हो तो तुम उससे मुझे बता देती तो मैं अपनी ज्वेलरी वहीं से बनवा लेती. हाँ, मेरी नज़र में एक ज्वेलर है जिससे मैं अपने सारे गहने बनवाती हूँ. तो तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो. भैया बताइए, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ गहने बनवाने थे. मेरी पड़ोसन है, उन्होंने आपका एड्रेस मुझे दिया था. तो क्या आप मेरी बेटी का गहना बना देंगे? हाँ मुस्कान, वो मुझे बताई कि आपको बनवाना है तो मैं बना दूंगा. बताइए क्या बनवाना है आपको. लेकिन मेरी एक शर्त है. बताइए क्या शर्त है. जब भी मैं अपने गहने बनवाऊंगी तो मैं वहीं पे रहूंगी तो ही आप मेरे गहने बनाएंगे, और जब मैं वहां से चली जाऊंगी तो आप मेरे गहने को हाथ नहीं लगाएंगे. अच्छा, ये शर्त मुझे मंजूर है. ये लीजिए. शाम का समय है भैया, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है, तो आप मेरे गहने मुझे वापस कर दीजिए. मैं अगले दिन फिर आऊंगी, फिर आप अपना काम चालू करिएगा. ठीक है, लीजिए. नेक्स्ट डे. भैया आप अपना काम चालू करिए. ले आइए गहने अपने. शाम का समय. अब मेरे घर जाने का समय हो गया है, तो आप मुझे मेरे गहने वापस कर दीजिए. मैं जाती हूँ. नेक्स्ट डे. वाला गहने दिखाइएगा. अरे ये कहाँ गया? जाने छोड़ो. नेक्स्ट डे. भैया आप अपना काम चालू करिए. ले आइए अपने गहने. अरे मेरा गहना कहाँ गया? वहाँ पे मेरा गहना नहीं है. मेरा गहना कहाँ गया? आपने ही तो रखा था, मुझे नहीं पता. ये क्या बात होती है, मुझे नहीं पता. मैं आपकी दुकान पे अपने गहने को रख के गई थी, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे संभाल के रखें. आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता मेरे गहने कहाँ हैं? अरे आपने ही तो रखा था, मुझे नहीं पता आपके गहने हैं. मेरे पास और भी सारे काम है, मैं वो कर रहा था. मैं केवल आपकी ज्वेलरी को लेकर थोड़ी बैठा हुआ. मुझे वो सब कुछ नहीं पता. मुझे मेरे गहने चाहिए, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगी. आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं भी आपको कोर्ट में मैं भी जाऊंगा कोर्ट में. फिर ठीक है. फिर नेक्स्ट डे. ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए. जज साहब, मैं इनके दुकान पे अपने गहने बनवाने के लिए दिया था मैंने, और ये वो अब जब मैं कल उसे लेने गई तो ये बोल रही है कि इन्हें नहीं पता है कि मेरे गहने कहाँ हैं. आपको इनके पक्ष में कुछ कहना है? जैसा कि हम दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब ये मेरे सामने रहेंगी तो ही मैं इनके गहनों को बनाऊंगा, और जब ये चली जाएंगी तो मैं इनके गहनों को नहीं छूऊंगा. तो ये गहने को बंद करके बॉक्स रख देती थी, और फिर ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने इनके गहनों को चुराया है, जो कि मैंने नहीं चुराया है. दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये पीले के पक्ष में कोर्ट का निर्णय जाता है. और क्योंकि इन्होंने अपना कार्य मतलब करने के बाद ये इनको इनकी संपत्ति वापस कर दी थी, इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज की रक्षा करें.